नमस्कार, आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं बहुपदों का गुणन खंडन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 में ये प्रयोग होता है। हमारे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। हमें इसका गुणन खंडन करना है, यानी दो ऐसे इसके गुणन खंड निकालने जिनको गुना करने से ये बनता हो। तो सबसे पहला जो इसमें काम है वो ये है, हमें ध्यान से देखना है इस बहुपद को। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर के साथ कोई भी गुणांक नहीं लिखा है, कोई संख्या नहीं लिखी है। तो जब इसके साथ कोई गुणांक ना हो तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसके साथ 1 है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से गुना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, ये मैं रफ वर्क के लिए मार्क कर रहा हूं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि एक्स स्क्वेयर के साथ जो गुणांक है, कुछ नहीं था तो हमने 1 लिखा था, इसको गुना करना है बिना एक्स वाली रकम के साथ। बिना एक्स वाली जो रकम थी वो थी 10। तो 1 को 10 से जब गुना कर दिया तो हमारे पास आ गया 10। अब ये जो नंबर हमारे पास आया, इसके साथ इसका साइन भी देखो, ये है प्लस, ये है प्लस, तो प्लस गुना प्लस होगा प्लस। तो इस 10 के साथ जो निशान है वो है प्लस का, ठीक है बच्चों। अब इस 10 के हमें गुणनखंड देखना है किस किस के पहाड़े में आता है। 10 आता है 1 के पहाड़े में, 1 10 से 10। 10 आता है 2 के पहाड़े में, 2 5 10। 3 और 4 के पहाड़े में 10 आता नहीं, 5 के पहाड़े में आता है वो मैंने लिख लिया। 6 7 8 9 के पहाड़े में 10 नहीं आता, 10 के पहाड़े में आता है, ये 10 में लिख चुका हूं। इसका मतलब हमारे पास दो जोड़े बन गए, हमारे पास दो जोड़े बन गए। पहला जोड़ा है 1 और 10 का, दूसरा जोड़ा है 2 और 5 का। इनमें से एक जोड़ा अब हमें चाहिए। कौन सा चाहिए वो देखने के लिए हम देखेंगे जो हमारा बहुपद था उसकी मिडल वाली टर्म, उसकी मिडल वाली टर्म। मिडल में लिखा है 7, ये देखो बीच वाली टर्म में लिखा है 7। तो हम बच्चों देखेंगे कि इन दोनों में से, जोड़ों में से किसको प्लस या माइनस करने से 7 बनता है। देखो 10 में 1 जमा करेंगे तो आएगा 11, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9, 5 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 7, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3। मिडल वाली टर्म है 7, तो 7 आ रहा है 5 और 2 को प्लस करने से, 5 और 2 को प्लस करने से। इसका मतलब हमें ये वाला जोड़ा चाहिए, 5 और 2 हमें ये वाला जोड़ा चाहिए। अब बच्चों हम वापिस आते हैं अपने बहुपद पर। सबसे जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा, पहली रकम को ऐसे ही लिख दो 1x2। पहली रकम को बिल्कुल ऐसे ही लिख दो 1x2। आखिरी रकम को भी बिल्कुल ऐसे ही लिख दो प्लस 10। तो पहली रकम को भी ऐसे ही लिख दिया, आखिरी रकम को भी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हमने जो जोड़ा लिया था 2 और 5, दोनों के साथ x लगा दो, 2 के साथ भी x लगा दो, 5 के साथ भी x लगा दो। x इसलिए क्योंकि यह बहुपद x में है, यदि यह y में होता तो दोनों के साथ y लगता, यदि यह t a b c किसी में भी होता तो वही चर यहां इनके साथ लग जाता। अब रह गया इनका निशान कि इनके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का या माइनस का। देखो इसके साथ तो प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, इन दोनों के साथ अभी पता नहीं। तो वो कहां से पता चलेगा, उसे देखने के लिए हम देखेंगे जो शुरू में गुना की थी उसका निशान, उसका निशान था प्लस। इसका मतलब इन दोनों का निशान सेम होना चाहिए। अगर यहां प्लस आया तो इन दोनों का निशान सेम होगा, चाहे यहां दोनों में माइनस हो जाए चाहे यहां दोनों में प्लस हो जाए। अब दोनों में सेम होगा तो कौन सा होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, वो यहां से देख लो। यहां प्लस है तो दोनों के साथ प्लस लगा दो, यहां माइनस होता तो दोनों के साथ माइनस लगा देते, ठीक है बच्चों। अब हम इसे आगे हल करेंगे। पहले हम अब इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग हम ले लेंगे बच्चों ये वाला, दूसरा भाग हम लेंगे ये वाला। इसके हमने दो भाग बांट लिए, ये अपने मन में ही करना है, हमने इसमें निशान नहीं लगाने। सबसे पहले इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, जो यहां भी हो यहां भी हो। देखो यहां दिख रहा है x 2 है, एक्स स्क्वेयर है, यहां x, इसका मतलब इनमें से x कॉमन आएगा। यदि इसमें से x बाहर चला गया तो x को x से भाग कर दो, एक्स स्क्वेयर को x से भाग कर दो, एक x कट गया, एक x बच गया, प्लस 2x में से x कॉमन चला गया, यानी 2x में से x कॉमन चल गया, 2x को x से भाग कर दो, एक्स एक्स कट गया बाकी रह गया 2, यानी 2x में से x बाहर चला गया तो बाकी रह गया 2। इसी प्रकार से ये जो जोड़ा था
ये देखो ये भी पांच, ये पांच एक्स है, ये दस, ये दोनों किसके पहाड़ में आ सकते हैं, पांच के, तो इसमें से इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा पांच। तो पांच एक्स में से जब पांच कॉमन चला गया तो पांच से पांच कट गया, बाकी रह गया एक्स। इसी प्रकार से दस में से अब पांच कॉमन जा चुका है, तो दस में से जब पांच भाग करेंगे तो दस को पांच से भाग करके आ गया दो। तो आप देखोगे, आप देखोगे बच्चों कि ये बीच वाली ब्रैकेट सेम आ रही है, एक्स प्लस टू, यहां भी एक्स प्लस टू। तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस एक्स प्लस टू को ही कॉमन ले लेंगे। अब पहले वाला पोर्शन है ये जो आपको दिख रहा है, इसमें से x प्लस टू बाहर चला गया तो बाकी क्या बच गया, ये देखो x प्लस टू बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया, x, क्या बच गया, x। इसे हम एक नई ब्रैकेट में लिख देंगे। ऐसे ही अब दूसरा पोर्शन देखो, इसमें से x प्लस टू यदि बाहर कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया, प्लस फाइव, बाकी क्या बच गया, प्लस फाइव बच गया। इसका मतलब हमारा जो बहुपद था वन एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस, उसका जब हमने गुणनखंडन किया तो हमारे पास आ गया x प्लस दो गुना एक्स प्लस पांच। इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास यही बहुपद आ जाएगा। आइए हम इसके कुछ और उदाहरण भी देखते हैं, क्योंकि बिना उदाहरणों के ये समझ नहीं आ पाएगा। हमारे पास अगला एक उदाहरण है, कईयों में प्लस कईयों में माइनस होगा, हम कई तरह के उदाहरण देख सकते हैं। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पंद्रह। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो आपको बताया था, ये था कि एक्स स्क्वायर के साथ यदि कुछ नहीं है तो वन लगाएगा। अब हमें अगला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ रकम थी वन, बिना एक्स वाली जो रकम है वो है माइनस पंद्रह। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो पंद्रह एकम आ जाएगा पंद्रह, और माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस। तो हमारे पास जो रकम आई है वो आई है माइनस पंद्रह आई है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पंद्रह के फैक्टर देखने हैं। पंद्रह किस किस के पहाड़े में आता है, एक गुना पंद्रह पंद्रह होता है, दो के पहाड़े में पंद्रह आता नहीं, तीन के पहाड़े में पंद्रह आता है, तीन पांचे पंद्रह, चार के पहाड़े में आता नहीं, पांच के पहाड़े में आता है वो लिख लिया, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह के पहाड़े में पंद्रह आता नहीं, पंद्रह के पहाड़े में आता है वो हम लिख चुके। इसका मतलब हमारे पास दो जोड़े बन गए, एक बन गया ये और एक बन गया ये। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से किसको प्लस या माइनस करके बीच वाली रकम आए। तो हम देख सकते हैं पंद्रह में एक प्लस किया सोलह, एक माइनस किया तो चौदह, पांच में तीन प्लस किया तो आठ, लेकिन पांच में से तीन माइनस किया तो दो आता है। इसका मतलब ये तीन और पांच वाला जोड़ा हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहली रकम मैंने पहले बताया था आपको, पहली रकम ऐसे ही लिख देंगे, आखिरी रकम भी ऐसे ही लिख देंगे। बीच वाली रकम के लिए क्या करेंगे, जो जोड़ा हमने चुना है तीन और पांच वाला, दोनों के साथ हम एक्स लगा देंगे, तीन के साथ भी एक्स पांच के साथ भी एक्स। अब ये पिछले वाले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि पिछले वाले सवाल में देखो दोनों को, एक सेकेंड, पिछले वाले सवाल में दो और पांच दोनों को प्लस करने से सात आया, लेकिन यहां तो पांच में से तीन माइनस करके दो आया। अब क्योंकि यहां माइनस का निशान था, ये देखो गुना करने से शुरू में माइनस निशान आया था, इसका मतलब इनके निशान उल्टे होंगे। पिछली बार प्लस था तो मैंने कहा था दोनों सेम होंगे, लेकिन अब यहां माइनस है, इसका मतलब दोनों के निशान उल्टे होंगे। उल्टे होंगे का मतलब यह है कि इन दोनों में से एक के साथ प्लस आएगा और एक के साथ माइनस आएगा। तो किसके साथ प्लस और किसके साथ माइनस आएगा, उसके लिए आप ये निशान देखिए, यहां जो निशान है वो इन दोनों में से बड़ी रकम के साथ डाल दो। यहां यदि प्लस है तो बड़ी रकम कौन सी है, तीन एक्स या पांच एक्स, पांच एक्स, बड़ी रकम के साथ प्लस डाल दो, तो बड़ी रकम के साथ प्लस, तो इसके साथ आएगा उल्टा निशान यानी माइनस। अब हमने क्या किया था बच्चों, याद है हमने ये एक जोड़ा बनाया था और ये दूसरा, पहली दो रकमों का पहला जोड़ा और दूसरी रकमों का दूसरा जोड़ा। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर चला गया बाकी बचा एक्स, माइनस तीन एक्स में से एक्स चला गया तो बाकी बचा तीन, उसके बाद यह है पांच यह है पंद्रह, दोनों पांच के पहाड़े में आते हैं तो पांच कॉमन आ जाएगा, पांच एक्स में से पांच बाहर चला गया बाकी रह गया एक्स, पंद्रह को पांच से भाग किया तो बाकी बच गया तीन। फिर से देखिए यहां पे x माइनस तीन और यहां भी x माइनस तीन, ब्रैकेट कॉमन आई है तो हम x माइनस तीन को कॉमन ले लेंगे। x माइनस तीन को कॉमन लेते ही बच्चों यहां से x माइनस तीन बाहर चला गया तो बाकी बच गया x, इसे अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहां से इस वाले भाग में से x माइनस तीन बाहर चला गया तो बाकी बच गया प्लस पांच।
तो इस प्रकार से ये दो ब्रैकेटों का हमारा अभाज्य गुणनखंडन 1x² + 2x - 15 का अभाज्य गुणनखंडन आ गया x - 3 × x + 5। एक अंतिम उदाहरण और देख लो, इसके बाद आप इसका अभ्यास कीजिएगा। 2x² - 7x + 6। सबसे पहला जो काम है वो क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है, हमेशा यहां कई बार 1 होता है लेकिन अब यहां है 2 और यहां संख्या है +6, इन दोनों को आपस में गुना कर दो। 2 × 6 कितना हो गया बच्चों, 12। 2 × 6 हो गया 12 और प्लस इंटू प्लस आ गया प्लस। अब हमने 12 के फैक्टर देखने हैं। देखो 12 आता है 1 के पहाड़े में 1 × 12, 12 आता है 2 के पहाड़े में 2 × 12, 12 आता है 3 के पहाड़े में 3 × 12, 4 के पहाड़े में आता है वो लिख लिया, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है लिख लिया, 7, 8, 9, 10, 11 के पहाड़े में आता नहीं, 12 के पहाड़े में आता है लिख लिया। इसका मतलब हमारे पास 3 जोड़े हैं, 1, 2, 3। अब हमें देखनी है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या है 7। देखो किसको प्लस या माइनस करके 7 आता है, इसको 12 को और 1 को प्लस करके आता है 13, माइनस करके आता है 11, नहीं चाहिए। 6 और 2 को प्लस करके आता है 8, 6 और 2 को माइनस करके 6 में से 2 निकाले 4, नहीं चाहिए, हमें तो 7 चाहिए। 4 और 3 को प्लस करके आता है 7, इसका मतलब हमें जो जोड़ा चाहिए वो चाहिए 3 और 4 वाला। अब बच्चों फिर से यही आ जाओ, क्या स्टेप है पहला, पहला स्टेप ये है पहली रकम को ऐसे का ऐसा ही लिख दो और क्या करना है, आखिरी रकम को भी ऐसे का ऐसा ही लिख देना। अब रहेगी बीच वाली रकम, तो जो जोड़ा हमने चुना है 3 और 4 वाला, दोनों के साथ अब यहां x है तो दोनों के साथ x लगाकर यहां लिख दो, अभी निशान नहीं डला है। अब हम क्या देखेंगे, यहां निशान कौन सा था, यहां निशान था प्लस का, इसका मतलब इन दोनों के साथ सेम निशान होना चाहिए। उल्टा होता तो हम देखते इसका निशान जो बड़ी के साथ आ जाए, लेकिन सेम निशान होना चाहिए, यानी या प्लस या दोनों में माइनस। तो क्या हो प्लस या माइनस, वो यहां से देख लो, यहां है माइनस तो दोनों के साथ माइनस लगा दो। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमने लिखा 2x² - 3x - 4x + 6, इसको मैं थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूं। घुमा के इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 2 और 3 में से चलो करते हैं ऐसे ही, चलो ऐसे कर लेते हैं। इस दोनों में से पहला जोड़ा है ये वाला, दूसरा जोड़ा है ये वाला। पहले जोड़े में देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहां भी x है यहां भी x है, ये 2 है ये 3 है, ये तो एक पहाड़े में आते नहीं, तो सिर्फ x है जो कॉमन आ सकता है। यहां से x बाहर चला गया तो बाकी एक तो बच गया 2, और एक एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया माइनस, 3x में से x बाहर चला गया तो बाकी रह गया 3। इसके बाद बच्चों इन दोनों में से देखो, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, इसके साथ x है इसके साथ x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा लेकिन 2 कॉमन आ जाएगा और माइनस कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, 2 कॉमन आते ही -4x में से -2 कॉमन चला गया तो माइनस से माइनस कट गया, 2 के साथ ये कट गया 2, तो ये बच गया 2x। उसके बाद है प्लस 6 को भाग करना है हमने जो कॉमन लिया -2 से, तो 2 से तो 6 कट गया 3, लेकिन माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, तो हमारे पास आ गया -3, तो ये भी आ गया -3। अब आप ध्यान से देखें तो यहां भी है 2x - 3, यहां भी है 2x - 3, इस 2x - 3 को मैं कॉमन ले रहा हूं। अब पहली ब्रैकेट इतनी है बच्चों, इसमें से 2x - 3 तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बाकी कितना बच गया x बच गया, तो इसे एक नई ब्रैकेट में मैंने लिखा x। अब दूसरे वाले भाग में से देखो -2 × 2x - 3, इसमें से 2x - 3 ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 2x - 3 बाहर कॉमन ले लिया, तो बाकी कितना बचा दिख रहा है आपको, -2 बचा दिख रहा है, तो ये -2 मैं यहां लगा दूंगा। तो ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंडन, इस बहुपद का ये अभाज्य गुणनखंडन आ गया 2x - 3 × x - 2। बच्चों मैंने 3 उदाहरण आपको कराए हैं, आप कोशिश करना इस वीडियो को कम से कम 5-6 बार देखना, ताकि आपको ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं, ये पहला और ये दूसरा उदाहरण और ये तीसरा उदाहरण, ये 3 उदाहरण आपके सामने हैं, इन तीनों उदाहरणों को बच्चों
आप बार 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 वीडियो में देखना और समझना। मैं इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। बच्चों जब तक ये काम नहीं आएगा तब तक 2.2 समझ नहीं आ पाएगी, इसलिए इसे ध्यान से देख